कि हमारे इस समय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप उनसे कोई कनेक्शन अपना फील करते हो? कोई आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे हैं? आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि योगी आदित्यनाथ जी आपके हैं? हसनपुर में एक बार मीटिंग भी की है उन्होंने, आप लोग सब देख के भी आए होंगे, लेकिन पर्सनल बातचीत क्या कभी किसी की जिंदगी में उनसे कभी हुई है? आपको उम्मीद है कि हो सकती है आगे? एक बार वो हसनपुर में आए हैं, आपके अमरोहा में आए हैं जिले में, इसके अलावा क्या डिप्टी सीएम को जानते हो आप? आपके दो डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री, क्या आप उन लोगों को जानते हो कि कौन है? एक दिनेश शर्मा जी हैं और एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो दोनों भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और उनसे भी हमारा ना तो कभी काम पड़ा है ना हमें ऐसा एहसास होता है कि वो हमारे। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि उप मुख्यमंत्री के बाद जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय पद हैं, चाहे वो प्रदेश के वित्त मंत्री हो या अन्य कोई बड़ा मंत्रालय हो, क्या आपके क्षेत्र का, केवल अमरोहा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई भी एक ढंग का मंत्रालय आपके नसीब में अभी तक नहीं हुआ? कभी अभी भी नहीं है और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जबरन बन गए थे तो फिर ये बात आई कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक उप मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए था? उप मुख्यमंत्री भी नहीं तो क्या वित्त मंत्री, सड़क मंत्री या कोई भी एक ढंग का मंत्रालय क्या हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाते में नहीं आना चाहिए था? वो सब आपको नहीं मिला है, वो सब आपको देखना है कि आपके साथ किस प्रकार से अन्याय लगातार होता चला जा रहा है।